हमारे इस जगह में, इस भवन में अगर हम देखें तो अलग अलग धर्म के और अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, है कि नहीं? सब लोग हम मौजूद हैं और सब हम एक परमेश्वर की आराधना करने वाले, एक परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? मसीही। हम सब मसीही लोग हैं। बोलिए, हम सब मसीही लोग हैं। हम सब मसीही लोग हैं। अगर मैं पूछूं कि आपने कब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, कब से आप विश्वास में हैं, कब से आप प्रभु को जानते हैं, तो हम में से हम सबका जवाब होगा, कोई बोलेगा कि मैं एक साल से हूं, कोई बोलेगा मैं पाँच साल से हूं, कोई कहेगा मैं दस साल से हूं, और आप में से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं पैदाइशी मसीही हूँ। सो, इतने सालों से हम जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके वचन को सीखते हैं, बाइबल को भी हम पढ़ते हैं, तो हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि मैं अपने आप को मसीही कहता हूँ, मैं एक मसीही हूँ, लेकिन मैं एक मसीही क्यों हूँ? परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? परमेश्वर ने मुझे अपना टाइटल, अपना नाम क्यों दिया है? क्यों मैं एक मसीही कहलाता हूँ? क्यों परमेश्वर ने मेरे परिवार में से मुझे चुना है? बाकी लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते। तो हम मसीही हैं, ये अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं मसीही हूँ तो मैं क्यों एक मसीही हूँ? किस लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है? हम मसीही क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है। हालेलुया। उसने अगर हमें चुना है तो किस मकसद के लिए चुना है? क्यों हमें चुना है? हमें अपने आप से ये एक सवाल पूछना चाहिए। हम सोचते हैं, हम एक मसीही ज़िंदगी को हमने कुछ चीज़ों में समेट के रख दिया है। हम सोचते हैं कि मसीही ज़िंदगी सिर्फ इतनी है कि हम संडे को चर्च में जाएं और हम प्रार्थना करें, हम बाइबल पढ़ें और साप्ताहिक प्रार्थना में हम भाग लें और बुधवार की प्रार्थना में हम आकर भाग लें और बस अपना काम करें और बाकी सब चीज़ें करें। बस हमारा मसीही से सिर्फ इतना मतलब हम रखते हैं, मसीही से हम सिर्फ इतनी ही बातों को समझते हैं कि मुझे चर्च जाना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे साप्ताहिक प्रार्थना में जाना है, बाकी दिन मुझे अपना काम करना है। और हम ये बातें सोचकर हम ये अंदाज़ा अपने आप को, ये आश्वासन अपने आप को दे देते हैं कि हम एक अच्छे मसीही हैं, है कि नहीं? ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ों के अंदर हमने समेट के अपने आप को रख दिया। हम सोचते हैं मैं मसीही हूँ क्योंकि मैंने अब मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया है, अब मैं एक मसीही हूँ क्योंकि मैंने उन गंदी आदतों को छोड़ दिया है जो मेरे जीवन में पहले थी, अब मैंने क्या बोलते हैं, अब वह मैं गलत संगति में नहीं बैठता, मैं मसीही हूँ क्योंकि मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया है, और मैं मसीही हूँ क्योंकि मैं अब चर्च में जाने लगा हूँ, मैं वचन पढ़ने लगा हूँ, इसलिए मैं एक मसीही हूँ। लेकिन मसीही होना इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। हम मसीही शब्द को इतना सीमित नहीं कर सकते। हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने बुलाहट को, हमारे चुने जाने को इतना सीमित नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इतना ही करें, चर्च जाएँ, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, साप्ताहिक प्रार्थना में जाए, बाकी अपने जीवन का काम करें। मसीही जीवन, हमारा मसीही होना, हमारा चुना जाना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त करना, इस हमारे मसीही सोच से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। हम कुछ बाहरी चीज़ों को हम अपने मसीही जीवन को सिर्फ कुछ बाहरी बदलाव, कुछ व्यवहारिक बदलाव और कुछ आंतरिक बदलाव तक ही समेट कर रखते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आ गया, मैंने बुरी कर्म करना छोड़ दिया, मैंने पूरी जो नशा करना मैंने छोड़ दिया, और इसलिए मैं एक अच्छा मसीही हूँ। तो एक अच्छा मसीही होने का ये चिन्ह है, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, पुराने जीवन को छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है। परमेश्वर ने आपके जीवन को क्यों बदला है?
क्यों आपको छुड़ाया है, क्यों आपको नया किया है, ये बात भी तो हमें जाननी चाहिए। प्रभु में आने के बाद अब मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं, मेरे जीवन में जो बदलाव मैं देखना चाहता था उस बदलाव को लाने की मैंने कोशिश की लेकिन वो बदलाव मेरे जीवन में नहीं आया, लेकिन जैसे मैं प्रभु यीशु के करीब आया अब वो बदलाव मेरे जीवन में है। ये सामर्थ्य, खुदा की सामर्थ्य ने जो मेरे जीवन में काम किया है, ये बदलाव जो मेरे जीवन में लेकर आया है, क्यों लेके आया है, क्यों मुझे बदला है, क्यों मैं एक मसीही हूं, हमें पूछना चाहिए। हम कुछ छोटी छोटी बातों तक हम अपने मसीही जीवन को सीमित ना रखें। हम बहुत खुश रहते हैं ना इन सब चीज़ों को करके, संडे को जाना ही है, बाइबल तो पढ़ना ही है, प्रार्थना करना ही है, लेकिन इनसे बढ़कर एक काम, एक कदम और है जो हमें लेना है, और वो कदम जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो कदम, वो काम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। उसने हमें बदला क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें बदला कि वो हमसे मोहब्बत करता है, और उतनी ही मोहब्बत वो उनसे भी करता है जो आज उसको नहीं जानते, वो उनको भी बचाना चाहता है। तो अपने मसीही जीवन को, जो हमारी सोच है, अपने विचार है, उससे कहीं बढ़कर वो मसीही जीवन है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हम सिर्फ छोटी छोटी बातों से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने आप को आश्वासन दे देते हैं कि बस यही मसीही जीवन है, बुरी चीज़ों से दूर रहो, अच्छे काम करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बस यही मसीही जीवन है। मसीही जीवन में कुछ और भी हमें करना है, मसीही जीवन में हमें कुछ और भी कदमों को उठाना है। मसीही होने का ये चिन्ह नहीं है कि आपने बुरी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है बुरी चीज़ें छोड़ दी, लेकिन कुछ अच्छा भी हमें करना है। हालेलुया। तो वो कदम कौन सा है, वो काम कौन सा है जो एक मसीही को हमेशा करना चाहिए, और ज़्यादातर हम इस कदम से चूक जाते हैं, इस कार्य को करने से चूक जाते हैं। ज़्यादातर हम सामान्य मसीही जीवन जीते हैं, सिर्फ सामान्य मसीही जीवन जीते हैं, लेकिन मसीही जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है, मसीही जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, मसीही जीवन परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ, अलग किया हुआ एक जीवन है। हालेलुया। तो हमें वो करना है, वो काम क्या है। मसीही होना बदलाव आना तक सीमित नहीं है, मसीही होना का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें इस समाज में चुना है, हमें नियुक्त किया है ताकि हम उसकी क्या दें, उसकी गवाही हम दें। हालेलुया। तो हमारे मसीही होने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं, हमारे मसीही होने का मतलब ये है कि हमें मसीह की गवाही देनी है। मसीही जीवन सिर्फ साधारण बातों तक सीमित नहीं है, मसीही जीवन उसके गवाह, उसकी गवाही देना है। हालेलुया। और ये वो कदम है जिससे हम चूक जाते हैं। एक मसीही होने का जो बाहरी चिन्ह है, वो सबसे बड़ा चिन्ह ये भी है कि हम उसकी गवाही लोगों के बीच में देते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 वचन हम पढ़ें, सबको पता है, सब लोग इस वचन के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण जब उनका हो रहा था, उसने अपने लोगों से, अपने चेलों से उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम क्या होगे, मेरे साक्षी होगे, मेरे विटनेस होगे, मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना गवाह हमें ठहराने के लिए, उसकी गवाही हमें देने के लिए उसने क्या दिया है, अपना आत्मा, पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, उसका सामर्थ्य हमें दिया है। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हमें दिया है, वो काम कभी भी साधारण नहीं हो सकता, वो काम कभी भी साधारण नहीं हो सकता। परमेश्वर के गवाह बनना एक साधारण काम नहीं है, मसीही होना एक साधारण काम नहीं है। अब पवित्र आत्मा के आने के बारे में बहुत से लोगों की बहुत से विचार हैं कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब मैं उसके सामर्थ्य भर जाऊंगा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। ये लोग, कई लोगों के विचार हैं, सोच है, लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम ना करे, तब तक हम यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कह सकते।
अगर हम आज यहाँ पर हैं एक मसीही के रूप में, अगर हम यहाँ पर हैं, हम मसीह को प्रेम करते हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसके आत्मा ने हमें यहाँ तक आने के लिए मदद की। हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास अपने आप में, अपने आप से नहीं उत्पन्न होता। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, ये विश्वासी के गुण आप में अपने आप नहीं आए हैं, आप इसे लेकर पैदा नहीं हुए। हम तो पाप लेकर पैदा हुए थे। हम विश्वासी कब बनते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में काम करता है, जब परमेश्वर का आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। किस किस के अंदर परमेश्वर का आत्मा है? हम सब के अंदर, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर किसी को तभी देता है जब उसको किसी विशेष काम को करवाना होता है। पुराने नियम में हम कुछ वचनों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपना आत्मा लोगों को दिया, और वो आत्मा उसने किस लिए दिया। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर के आत्मा के आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं अन्य भाषा बोलूँगा और मैं भविष्यवाणी करूँगा। पवित्र आत्मा का काम सिर्फ इतना नहीं है, पवित्र आत्मा का काम सिर्फ इतना नहीं है कि अद्भुत काम होंगे, सिर्फ इतना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना। ये पवित्र आत्मा का काम है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया, अपनी सामर्थ हमें दी है, उसने मसीह करके हमें नियुक्त किया है। इसका मतलब ये है कि उसका आत्मा हमें रहता है। अगर उसने अपना आत्मा हमें दिया है तो हमें कुछ करना है। क्या करना है? उसकी गवाही देनी है, क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर अपना आत्मा देगा वो कभी भी सिंपल नहीं होता। किसी विशेष मकसद के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए परमेश्वर हमेशा अपना आत्मा अपने लोगों को देता है। आइए वचन से देखें, समुएल, पहला समुएल अध्याय 10 उसका 11 वचन सब लोग निकालेंगे। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, किसके पुत्र को यह क्या हुआ? क्या साउल भी नबियों में का है? हालेलुया। ये उस समय की बात है जब समुएल भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की अगुवाई में होकर जब कीस के पुत्र साउल का अभिषेक करने के लिए गया है। जब परमेश्वर की योजना समुएल ने साउल को बताई कि परमेश्वर तेरे जीवन से इस प्रकार कार्य करवाना चाहता है, तुझे इज़राइल के ऊपर राजा ठहराना चाहता है, और उसके ये चिन्ह होंगे कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। और वचन में लिखा, जैसे ही वो मुड़ा परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर आ गया और वो नबूवत करने लगा। क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। और लोगों ने देखा, क्या साउल भी नबियों में का है? तो परमेश्वर ने साउल को अपना आत्मा दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर उसे एक लीडर के रूप में, एक अगुए के रूप में इज़राइल के ऊपर नियुक्त करने वाला था। हालेलुया। इसलिए उसने अपना आत्मा साउल को के ऊपर उंडेला। गिनती उसका 27 और 18 वचन, गिनती 27 का 18 वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसती है। हालेलुया। मैं वो ये वचन इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा जब परमेश्वर देता है तो वो किसी विशेष कार्य के लिए देता है। परमेश्वर का आत्मा जब किसी के जीवन में आता है, इसका मतलब उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष मकसद है। किसी विशेष मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। हमने साउल के जीवन में देखा कि समुएल ने उसे बोला कि परमेश्वर तुझे इज़राइल पर राजा करके नियुक्त करना चाहता है, और उसके चिन्ह ये होंगे कि परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आएगा। और जैसे ही वो मुड़ा, परमेश्वर का आत्मा साउल पे आया, और ये उस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने उसे चुना है। हालेलुया।
उससे सुना, उसके ऊपर आत्मा भेजा परमेश्वर ने, क्योंकि वो इसराइल के ऊपर उसे राजा ठहराना चाहता था। और हम गिनती 27:18 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ, हाथ रखने का मतलब नियुक्त करना, अपॉइंट करना। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा अब तू इस दुनिया से मर के, इस दुनिया से तेरा जो जीवन है खत्म हो जाएगा और तू मेरे पास आ जाएगा, और तेरा जो तेरा आज तो दुनिया से खत्म हो जाएगा लेकिन तू अपने पूर्वजों में मरने के बाद तू अपने पूर्वजों में निवास करेगा, लेकिन जिस भीड़ की, जिन इजरायली लोगों की तू अगुवाई कर रहा है, तेरे बाद कोई अगुवाई करने वाला होना चाहिए। जब तू मेरे पास आ जाएगा तो नून के पुत्र यहोशू को तू अपना हाथ रख, क्योंकि वो मेरी आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना आत्मा यहोशू को दिया, क्योंकि परमेश्वर यहोशू को मूसा के बाद में इसराइलियों की अगुवाई करने के लिए एक अगुए के रूप में नियुक्त करना चाहता था। हालेलुया। समझ में आया? तो यहोशू को आत्मा दिया क्योंकि मूसा के बाद उसे इसराइलियों की अगुवाई करनी थी। न्यायियों 3:10 पढ़े, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला और यहोवा के आराम के राजा कूशन रिस्ताइम को अपने हाथ में कर दिया। हालेलुया। वह कूशन रिस्ताइम पर जयवंत हुआ, तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही, तब कंजी का पुत्र ओतनियल मर गया। तो ओतनियल के ऊपर, जो एक इजरायली व्यक्ति था, ओतनियल के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ओतनियल इजरायलियों का न्याय करने वाला बने। परमेश्वर ने एक न्यायियों का समय ठहराया था, जब उनके बीच के जो झगड़े होते थे उनको सुलझाने के लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया कि वो लोग अपनी बातों, अपने विवाद को लेकर उसके पास जाएं ताकि वो उनका न्याय कर सके। तो जो ओतनियल था उनमें से एक था, इजरायली व्यक्ति था। परमेश्वर ने ओतनियल को अपना आत्मा दिया, किस लिए? ताकि वो इजरायलियों का न्याय बने। हालेलुया। हम उन बातों को पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा क्यों देता है, किसी विशेष काम के लिए। साउल को दिया राजा बनने के लिए। हालेलुया। यहोशू को दिया कि वो इसराइलियों की अगुवाई करे वायदे की भूमि तक पहुंचाने के लिए। ओतनियल को दिया ताकि वो इसराइलियों का न्याय बने। हालेलुया। न्यायियों 6:34, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मैं गिदोन के बारे में बताना चाहता हूँ कि गिदोन एक इजरायली व्यक्ति था और ये एक बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप का मनुष्य था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से डरता था ये, और इनके अंदर मिद्यानी लोग, जब इनकी जब फसल तैयार होते थे, इजरायली फसल जब बोते थे, तो फसल के समय पर मिद्यानी लोग, जो अलग राष्ट्र के लोग थे, मिद्यानी लोग इजरायल में आते थे और इजरायली लोगों की फसलों को नष्ट कर देते थे, ख़त्म कर देते थे, और मिद्यानी लोग इजरायली लोगों को लूट कर चले जाते थे। इसलिए जब गिदोन एक ऐसी जगह पर छिपा हुआ था जहाँ पर उसे कोई देख ना सके, एक जगह पर छिप कर वो अपने गेहूँ झाड़ रहा था, अपने गेहूँ निकाल रहा था, ताकि वो उन लोगों से अपने उसको गेहूँ को बचा सके जो लोग उसे लूटने के लिए आए हैं। डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन के ऊपर अपना आत्मा भेजा। डरपोक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर को गिदोन के द्वारा एक काम करवाना था, इसलिए उसने अपना आत्मा उसके ऊपर भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाना चाहता था। हालेलुया। हम इन सारे वचनों को जब हम देखते हैं, तब इनमें से जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया, जो ओहदा उन्हें दिया, वो कोई भी छोटा नहीं है। कोई किसी को उसने राजा नियुक्त करके नियुक्त किया, किसी ने इसराइलियों की अगुवाई करने के लिए अगुआ करके नियुक्त किया, किसी को उसने न्याय करने के लिए न्याय के रूप में नियुक्त किया, और किसी को उसने एक योद्धा के रूप में नियुक्त किया कि वो उनको अपने लोगों को छुड़वाए।
एक भी मतलब वैसा नहीं है कि छोटा मोटा वो हो। परमेश्वर ने अपना आत्मा इन लोगों को विशेष कार्य के लिए दिया। परमेश्वर को पता है कि जब तक मेरा आत्मा मैं इन्हें नहीं दूंगा, जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में नहीं आता, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवनों में नहीं आता, हम परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में जीवन से पूरा करने में असफल रहेंगे। अगर परमेश्वर को के कार्यों को हमें करना है तो हमें उसके लिए उसका आत्मा चाहिए। हालेलुया, क्या चाहिए? हमें पवित्र आत्मा चाहिए उसके कार्यों को करने के लिए, इन लोगों की तरह। दाऊद को भी दिया परमेश्वर ने, उसमें लिखा है कि दाऊद के ऊपर उसने अभिषेक किया और जीवन भर परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आता रहता था। हालेलुया, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, अपने काम को पूरा करता था और वो वापिस चला जाता था पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद में पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया और वो आज तक हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि परमेश्वर जब अपना आत्मा देता है तो वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए देता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का कार्य सिर्फ इतना नहीं है कि वो चिन्ह और चमत्कार करें, वो क्या बोले अन्य भाषा बोले, वो भविष्यवाणियां करें, सिर्फ इतना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के विशेष काम को करने के लिए लोगों के जीवनों में आता है। हालेलुया, अब जब हम देख रहे हैं कि उसका आत्मा लोगों पर विशेष कार्य के लिए आया, तो हम अपने जीवन को भी देख लें। आज हम मसीही हैं तो हम इस वजह से हैं क्योंकि उसका आत्मा हमारे जीवनों में रहता है। हालेलुया, हम विश्वासी क्यों हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैसे किया? क्योंकि उसके आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया, उसका आत्मा हमारे जीवन में है। हालेलुया, सब लोग विश्वास करते हैं उसका आत्मा हमारे जीवनों में है। ठीक है, अगर उसका आत्मा हमारे जीवनों में है तो उसका मतलब ये है कि उसने अपना आत्मा हमें दिया है, तो कोई ना कोई मकसद है उसका हमारे जीवनों से, कोई ना कोई योजना है उसकी हमारे लिए। हालेलुया, क्योंकि हम पीछे देख कर आए पुराने नियम में, किसी विशेष मकसद के लिए आत्मा दिया हमें दिया गया है, तो हमारे जीवन से भी उसकी उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है? कि हम उसकी गवाही दें। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने अपने आत्मा देकर मसीही करके नियुक्त किया है कि हम इस समाज में, इस शहर में, इस गांव में, इस देश में उसके नाम की गवाही लोगों के बीच में जा जाकर दें। हालेलुया, उसने अपना आत्मा हमें दिया है और जिस कार्य के लिए परमेश्वर आत्मा हमें देता है वो कार्य कभी भी साधारण कार्य नहीं होता। इसलिए अगर उसने हमें दिया है तो हम अपने मसीही जीवन को एक साधारण जीवन ना बना के जिए। हालेलुया, क्योंकि मसीही जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। उसका मकसद है कि उसने अपना आत्मा हमें दिया और हमें मसीह बनाया। कभी सोच कर देखिए कि आपको परमेश्वर ने किस रीति से निकाला है, किन चीजों से आपको बाहर किया है। अब जिस जो जो छुटकारा आपने पाया है, जो आज़ादी आपने पाई है, परमेश्वर वही छुटकारा और वही आज़ादी आपके जीवन के द्वारा दूसरों तक लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, इसलिए हमें उसके गवाह बनना है। उसका आत्मा हमें दिया गया है वो इसलिए कि हम उसके गवाह बने। हम मसीही हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हम संडे की आराधना अटेंड करें, होम ग्रुप अटेंड करें, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, सिर्फ इसलिए नहीं। हम मसीही हैं क्योंकि हमें उसके कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, हमें उसकी गवाही देने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए आप और मैं मसीही हैं। हालेलुया, तो हमें एक साधारण मसीही जीवन नहीं जीना। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है वो हमें करना है, हमें उसकी गवाही देनी है, क्योंकि लोगों को जरूरत है उसकी गवाही की। हमें गवाह होकर जाना है, लोगों के बीच में जाना है। लेकिन क्यों हमें गवाह होकर जाना है? मत्ती 24 का 14 अगर पढ़े हम, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब की सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर के पास जो उद्धार की योजना है, जो छुटकारे की योजना है, वो सिर्फ हम मसीही लोगों के लिए नहीं, सीमित लोगों के लिए नहीं है।
परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है वो समस्त संसार के लिए है, लिखा है यहाँ पे, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। लेकिन क्या सारे संसार के लोगों तक पहुंच चुका है? क्या सारे संसार के लोग जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? जानते हैं? नहीं जानते। हमारे भारत में ही, भारत में कि उत्तर भारत में भैया, 2% लोग क्रिश्चियन हैं, 2%। क्योंकि हम गवाही के लिए निकले नहीं हैं। हम 5 साल से 10 साल से विश्वासी के रूप में हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना है, परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा दिया है और उसका आत्मा विशेष मकसद से के लिए ही आता है, मेरे जीवन से उसकी योजना ये है कि मैं उसकी गवाही दूँ। लेकिन अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने कभी किसी को गवाही दी है? अपने आप से मैं पूछना है, क्योंकि उसने हमें गवाह के रूप में अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने गांव में उसने नियुक्त किया है कि हम उसकी गवाही दें। छोटी छोटी बातों में इसको उलझा के मत रखिए। सीमित जीवन मसीह जीवन नहीं है। अगर मसीह जीवन को हम सीमित करके जी रहे हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना को सीमित कर रहे हैं अपने जीवनों में। उसकी उद्धार की योजना संपूर्ण मानव जाति के लिए है, लेकिन अब तक कोई, बहुत से लोग नहीं जानते। वचन निकालेंगे, रोमियो 10:13-15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कौन उद्धार पाएगा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। किस किसने उद्धार पा लिया? हमने प्रभु का नाम लिया, हमने उद्धार पा लिया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जिसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, जो उसका नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया, लेकिन क्या संपूर्ण जाति के लोग उसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं वो कैसे जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, जब तक हम उन तक नहीं पहुंचेंगे। उसमें लिखा जब तक कोई प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, जब तक कोई उन्हें बताएगा ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है, कैसे वो उस पर विश्वास करेंगे। तो आज तक जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, जो प्रभु के नज़दीक नहीं आए हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसने हमें अपना आत्मा दिया है कि हम उसकी गवाही दें, और उसकी गवाही देने के लिए हमें जाना पड़ेगा ताकि लोग प्रभु के बारे में जानें। जितने लोगों ने प्रभु के बारे में नहीं जाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम नहीं गए, हमने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को नहीं सुनाया। लोगों को जरूरत है, लोगों को परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने की जरूरत है। लोग प्रभु वचन में लिखा यीशु के बिना कोई उद्धार प्राप्त कर ही नहीं सकता, तो हमें उन तक पहुंचना है, क्योंकि वो नहीं जानते। क्या आप कई बार, क्या हमारा हृदय इस जरूरत को महसूस करता है कि हम लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं? क्या हमारा हृदय उनके दुख को, उनके आंसुओं को, उनके दर्द को, जो पाप की मृत्यु में मर रहे हैं, क्या आपका हृदय उस बात को महसूस करता है कि मुझे उस दर्द में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाकर, उस पाप में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाकर मुझे यीशु का सुसमाचार सुनाना चाहिए? क्योंकि जैसे उसका वचन उसके जीवन में जाएगा, वो प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। क्या आपका हृदय इस जरूरत को महसूस करता है? अगर नहीं करता तो हमें इस बारे में प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हम मरते हुए लोगों की आत्माओं के दुख को नहीं समझ रहे हैं, हमारे चारों ओर जो लोग पाप में मर रहे हैं, अगर हम उनकी जरूरतों को नहीं समझ रहे हैं, उनके उद्धार की जरूरत को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारा हृदय कठोर है, हमारा हृदय कठोर है। अगर मसीही होकर भी हमारा हृदय कठोर है तो हम उसकी गवाही कभी कठोर हृदय के साथ दे नहीं सकते। हमें अपने हृदय को नम्र करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे हृदय को नम्र कर, मुझे आत्माओं के बोझ से भर कि मैं लोगों के बीच में जाऊं,
जब तक आप बोझ महसूस नहीं करोगे तब तक आप जा नहीं पाओगे। जब तक आत्माओं के प्रति बोझ आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक हम सिर्फ सामान्य मसीही जीवन जिएंगे, सिंपल साधारण जीवन, बस चर्च में जाओ, अटेंड करो 2 घंटे और आ जाओ, सिर्फ सामान्य मसीही जीवन जिएंगे जब तक आत्माओं का बोझ आपके अंदर नहीं होगा। एक आंटी है, उनका नाम है रीना फिलिप, वो ग्वालियर की रहने वाली हैं। वो जहाँ पर भी जाती हैं उनके बैग में हमेशा सुसमाचार के ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पर भी वो जाती हैं। अगर वो ऑटो में सफ़र कर रही हैं तो वो ऑटो वालों को प्रभु के बारे में ज़रूर बताएंगी। अगर वो सब्जी खरीदने जाती हैं तो सब्जी वाले को प्रभु के बारे में ज़रूर बताएंगी। अगर वो कहीं पर भी जाती हैं उनको मौका मिलना चाहिए, वो मौका ढूंढ लेती हूँ, प्रभु का वचन ज़रूर ज़रूर बताती हैं। कलीसिया, हमारा जीवन सच में ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में उसका सुसमाचार होना चाहिए कि हम दूसरों को वचन दें। हमें हमारे अंदर ये बोझ होना चाहिए, ये दर्द होना चाहिए कि लोग मर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है। और उनको बचाए जाने का जो सामर्थ्य है, जो वचन है, अनंत जीवन का जो वचन है हमें दिया गया है, अनंत जीवन का जो सामर्थ्य, जो वचन है हमारे जीवन में, सिर्फ सीमित रखने के लिए नहीं दिया गया, वो दिया गया है कि हमें उनको देना है। हालेलुया, हमें मुफ्त में मिला है, हमें मुफ्त में उनको ले जाकर देना है। मत्ती 28:19-20 वचन अगर हम पढ़ें, इस वचन को महान आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महान आदेश, ग्रेट कमांडमेंट, परमेश्वर का महान आदेश, बड़ा आदेश इसे कहा जाता है। और इस बात को हम सब लोग जानते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, महान आदेश को हम पढ़ते हैं, तो क्या हमने कभी महसूस किया कि हम इसको महान आदेश क्यों कहते हैं, क्यों ये महान आदेश है, क्या इसका मतलब है? हम पढ़ते हैं, बड़ी आसानी से हम पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हमें इसकी, इस वचन पर अपने ध्यान को लगाना है, क्यों इसे महान आदेश कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्द हैं ये, जब वो स्वर्गारोहण उनका होने वाला था तब उसने अपने चेलों को ये बातें कही थी कि मत्ती 28:19-20 वचन इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब लोगों के, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने अंतिम शब्दों में अपने चेलों को यह बात कही कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब आप कहोगे, अरे ये तो चेलों को बोला गया था ना, हमें थोड़ी। अगर ये वचन, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ चेलों को बोला गया था, यह हमारी सोच गलत है। ये वचन हम सबके लिए है। अगर हम सबके लिए नहीं होता, ये सभी मसीह लोगों के लिए नहीं होता, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया, आज हम यहाँ पर नहीं होते, आज हम मसीही को नहीं जान पाते। उसका वचन उसके चेलों के द्वारा अलग अलग लोगों तक पहुँचा, विश्वासी लोगों ने विश्वास किया, उन विश्वास किए हुए लोगों ने एक गवाह का कदम उठाया, उसने गवाह, वो उसके वचन को लेकर हमारे बीच में आया, उसने गवाही दी, किसी ने हमें बताया है वचन, कोई ना कोई था जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम तक पहुँचाया है। इसलिए ये वचन सिर्फ चेलों के लिए नहीं था, ये हम सब लोगों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो मसीही अपने आप को कहता है, उसके लिए वचन है कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में जाकर क्या करो, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने इस बात का आश्वासन भी हमें दे दिया कि जो काम मैं तुम्हें करने के लिए भेज रहा हूं उस काम में तुम अकेले नहीं हो, जो काम मैं तुम्हें करने के लिए भेज रहा हूं उस काम में तुम अकेले नहीं हो। लास्ट में कहता, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, यानी कि हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होकर उसकी गवाही देने में हमारी अगुवाई करता है। ये पहला शब्द हम देखें, जाना, जाकर। हालेलुया,
तुम जाओ, तुम जाकर सब जाति को चेला बनाओ, जाने सबसे। हम इसमें तीन चीज़ें जो है वो देखते हैं हम, जाना, चेला बनाना और क्या करना, आज्ञा जो दी गई है उसे उनको मानना, सिखाना। हालेलुया। तो हम जाने के बारे में हम देखते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो जब वो बोलता है कि तुम जात अन्य जातियों के बीच में जाओ, गवाही दो, जब हम उसकी इस आज्ञा के अनुसार जब हम निकलते हैं, जब कोई उसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की गवाही देने के लिए जाता है, तब कैसे परमेश्वर कार्य करता है। प्रेरित 8 उसका 5 और 8 वचन पढ़ेंगे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। कहां पर जाकर? सामरिया में जाकर। ये फिलिप्पुस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रेरित था, जब ये प्रभु की गवाही देने के लिए सामरिया नगर में जाकर इन्हें प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी चंगे किए गए, और क्या हुआ उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा को गंभीरता से लेते हुए फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर उसकी गवाही देता है। अब तक जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, अब तक सारे जो प्रेरित हैं वो यरूशलेम में बैठे हुए हैं, कोई गया नहीं है, लेकिन फिलिप्पुस ने कदम उठाया कि उसने मुझे आज्ञा दी है तो मैं इसके आज्ञा के अनुसार वचन सुनाने के लिए जाऊंगा, और वो सामरिया में गया। सामरिया में जाकर जब उसने परमेश्वर के नाम की गवाही दी, वचन में लिखा है बहुत से लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, बहुत से लोग ठीक हुए, और वचन में लिखा है उन्होंने एक मन होकर अपना मन उन बात की ओर लगाया जो वो बता रहा था, और लिखा उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में ये आनंद पहले नहीं था, लेकिन ये आनंद छा गया क्योंकि वहां पर किसी ने जाकर इस आनंद के रहस्य को बता दिया। आनंद का रहस्य यीशु मसीह है। हालेलुया। जब सामरी जाने के बारे में हम देख रहे हैं, तो फिलिप्पुस गया तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने उस सामरिया में प्रभु के वचन को ग्रहण किया, चंगाई पाई, और वो आनंद से वो नगर भर गया। फिर 8:34-38 वचन पढ़े, सॉरी 8:12 पढ़े। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। जब फिलिप्पुस सामरिया में गया, वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, परमेश्वर की गवाही फिलिप्पुस ने वहां पर दी, और वो नगर आनंद से भरा, और वचन में लिखा है उन्होंने जो वचन उसने शेयर किया, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दब दी, तो यीशु की गवाही पर उन्होंने विश्वास किया, और बहुत से लोगों ने क्या स्त्री क्या पुरुष अपने बपतिस्मा लिया, यानी कि प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। ये सब कब हो पाया? जब फिलिप्पुस वहां पर गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तुम जाओ, और उसी आज्ञा के अनुसार फिलिप्पुस सामरिया में गया और वहां पर परमेश्वर के कार्य को देखा गया। वो आनंद से वो नगर भरा, बहुत से लोग बचाए गए। फिर प्रेरित 34:38 में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम इस नगर पे चले जाओ, उस गली पे जाओ, और वहां पर वो एक खोजे को पाता है जो कंदाके की रानी का एक मंत्री था। वो खोजा अपने रथ में बैठकर जा रहा होता है, और रास्ते में वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन वो वचन उस वचन को समझ नहीं पा रहा था। तब फिलिप्पुस दौड़ते हुए उसके नज़दीक जाता है और बोलता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने बोला मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं जानता हूँ, तू मेरी मदद कर। फिलिप्पुस ने जाकर उस खोजे की मदद की और उस वचन को उसने बताया, और वो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में वचन पढ़ रहा था। जब उसने उसके गवाही को जब सुना, परमेश्वर के वचन के रहस्य को जब फिलिप्पुस के द्वारा उस खोजे ने सुना, तो वचन में लिखा है उसने विश्वास किया, और उसने क्या किया, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से लेते हुए फिलिप्पुस निकला, सामरिया में गया, सामरिया में गवाही दी, वहां पर बहुत से लोगों की आत्माएं बची, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की,
उस खोजे के पास में भेजा, और आगे भी हम पढ़ते हैं तो वो कैसेरिया तक परमेश्वर की गवाही देता हुआ चला जाता है, बहुत सी आत्माओं को वो बचाता है। हालेलुया। तो उसकी आज्ञा को गंभीरता से लेते जब हम निकलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसकी गवाही देने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक उसके कार्यों को हम देख नहीं पाएंगे, जब तक उसके गवाह के रूप उसकी गवाही देने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम फिलिप्पुस के जैसे कदम उठा नहीं पाएंगे। जब तक आप उस उत्तरदायित्व को समझोगे, उस जिम्मेदारी को जब तक आप नहीं समझोगे कि उसकी गवाही हमें देना है, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। सुसमाचार सुनाना, मसीह की गवाही देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर एक उस व्यक्ति को दी गई है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो आगे से जब फिलिप्पुस निकला, आगे से आगे उसने परमेश्वर की अगुवाई को पाया। हमें निकलना है, और जब आप उसके वचन के अनुसार निकल लेंगे तब आप ये चिंता नहीं करना कि मुझे कैसे क्या करूंगा। आप अगर अपने मन में अपने हृदय में उसकी गवाही की गवाही देने की इच्छा को लेकर निकलते हैं, परमेश्वर का काम है आगे वो आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। हमें गवाह होकर निकलना है। फिलिप्पुस जब निकला तब परमेश्वर ने उसे अपने राज्य के लिए उसे इस्तेमाल किया। हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें। सब लोग, कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। अगर हम सब लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल करें, तो हमें इस सामान्य मसीही जीवन के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, तो हमें इस साधारण जिंदगी, मसीही जिंदगी जिसको हमने बना रखा, इससे बाहर आना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा उसके वचन को लेकर। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जब तक हम कदम ही नहीं उठाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर इच्छा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गवाह होना चाहता हूँ, लेकिन गवाह होने के लिए सिर्फ इच्छा तो है, लेकिन क्या आपने गवाह होने के लिए कदम उठाया है? इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। इच्छा रखो, उसके साथ में अपने कदमों को बढ़ाओ। जिस लक्ष्य की ओर आप जाना, जो लक्ष्य आपने बनाया है, जब तक उसकी ओर आप अपने कदम को नहीं बढ़ाओगे तब तक उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। अगर आपने ठाना है कि मुझे मसीह की गवाही देनी है, तो उसकी गवाही को लेकर निकलो। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो ऐसा बताते हैं, फिलिप्पुस एक मछुआरा था, वो पतरस के गाँव का बैतसैदा का ही रहने वाला था, और जब 7 सेवादारों की टीम नियुक्त की गई थी प्रेरित के काम में, हम देखते हैं विधवाओं की सेवा करने के लिए, कलीसिया की रसोई में काम करने के लिए जब एक टीम नियुक्त की गई थी, उस टीम का हिस्सा था फिलिप्पुस। हालेलुया। फिलिप्पुस उस 7 सेवादारों की टीम का हिस्सा था। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने हाई एजुकेशन प्राप्त कर रखी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इसके पास बहुत ज्ञान होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक मछुआरा था, और एक परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया क्योंकि उसने अपने आप को नम्रता के साथ खुदा के सामने उसका गवाह होने के लिए अपने आप को सौंप दिया। उसकी नम्रता हम देखते हैं कि वो एक सेवादार के रूप में कलीसिया में सेवा करता था। हम में से बहुत से लोग होंगे, हम ये सोचते होंगे कि देखो, मैं हमारी कलीसिया में ना, मैं एक वॉलेंटियर करके नियुक्त किया गया हूँ, मैं सेवादारों के ग्रुप में हूँ, मैं सेवादारों के समूह में हूं। लेकिन सेवादार होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो आपको कलीसिया में बताया जाए सिर्फ आप वही काम करो। क्रिसमस के टाइम पे आप हेल्प करो, ट्रैक्स बांटने के लिए आप हेल्प करो, सफाई करने के लिए आप हेल्प करो, ये करने के लिए वो करने के लिए आप हेल्प करो। सेवादार होने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है। अगर सेवादार के कार्यों को अगर हमें सीखना है तो हम फिलिप्पुस से सीखें। कलीसिया में एक रसोई में काम करने वाला के साथ, रसोई में काम करने के साथ साथ यीशु मसीह की गवाही देने वाला व्यक्ति भी था। हालेलुया। तो छोटे मोटे काम जो हम चर्च में करते हैं उनसे कभी खुश नहीं होना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी खुश नहीं होना कि मैं सेवादार हूँ, मैं ये काम करता हूँ। हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम उसकी गवाही देते हैं, क्या हम यीशु मसीह के गवाह हैं। प्रेरितों के काम में जब हम 10:39-48 में देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब पतरस गया,
हम जाने के बारे में देख रहे हैं ना, वचन में कहा तुम जाओ। पतरस जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अन्य जाति लोगों के बीच में गया, कुरनेलियुस के घर में गया जो एक बड़ा अधिकारी था, परमेश्वर की योजना के अनुसार जब वो वहाँ पर पहुंचकर उसके वचन की गवाही देता है, सुसमाचार जब उन लोगों को सुनाता है, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ ठहरा। हालेलुया, बहुत से लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हमें जब तक हम फिलिप्पुस और पतरस की तरह निकलेंगे नहीं, तब तक उसके आत्मा के कार्य को हम देख नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्तेमाल करे, तो निकलिए उसके नाम को लेकर, निकलिए उसकी गवाही को लेकर। जब निकलोगे, खुदा का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको पता है लोगों को ज़रूरत है उसकी गवाही की। जो खुदा का, जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमें यीशु का नाम लेकर फिलिप्पुस और पतरस की तरह लोगों के बीच में जाना है। हालेलुया, जो उद्धार के लिए चुने गए परमेश्वर का वचन आपके द्वारा जरूर ग्रहण करेगा। हालेलुया, पतरस भी एक मछुआरा था। कौन था? मछुआरा था, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, और बाइबल हमें बताती है कि वो एक समय पर एक डरपोक व्यक्ति भी था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर आया, तो उसने परमेश्वर के गवाह के रूप में बहुत से लोगों की आत्माओं को बचाया, और एक बहुत बड़ा अगुआ वो ठहरा परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं गवाही, ठीक है गवाही देने के लिए जाओ, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन देखो मुझे तो बोलना अच्छे से नहीं आता, मुझे बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, मुझे बोलने में शर्म आती है। पौलुस कहता है हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो, यानी कि मेरे लिए शर्म की बात है एक मसीही होकर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो। हमें शर्म आती बहुत से लोगों को, हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मारपीट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुझे गाली वगैरह दे दे। हमें डर लगता है, हमें हिचकिचाहट होती है, हमें बोलना नहीं आता। हम अपनी भाषा का वो कर लेते कि देखो मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आती, लेकिन लगभग सब लोगों को आती है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, देखो मैंने बाइबल पढ़नी नहीं आती। हम इन सारी बातों का वो इकट्ठा करके अपने दिल में अपने आप को ये कह देते हैं बेटा तू इस लायक नहीं है कि तू यीशु के बारे में बताए, बस तू सामान्य मसीह जीवन जी काफ़ी है तेरे लिए। गलत है ये, कभी भी इन चीज़ों को अपने जीवन में बाधा न बनाए कि इन चीज़ों के कारण मैं गवाही नहीं दे सकता। ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताया इन्होंने, परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर से सीखा, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया। कभी भी ये बहाना मत बनाओ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, अगर आपके जीवन में, अगर आपके हृदय में उसकी गवाह, उसके गवाह होने की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी लोगों के बीच में जाके प्रचार करूं, तो ये बातें कोई मैटर नहीं करती है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है। आपके अंदर इच्छा है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। आपके अंदर इच्छा है उसकी गवाही देने के लिए, लोगों के बीच में जाओगे, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। इस बात को आप अपने हृदय में रख लीजिए। कभी भी यही नहीं कहना कि मेरे को हिचकिचाहट होती है, मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है। इन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। उसने अपना आत्मा हमें इसीलिए दिया है कि हम इस डर को निकालें। पतरस के अंदर डर कब निकला? जब उसका आत्मा उसके ऊपर आया। वचन में लिखा है कि 120 लोगों के बीच में उसने गवाही दी, और बहुत से लोग उसी दिन बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। एक डरपोक व्यक्ति जिसने प्रभु का इनकार किया था, वो एक निडर साहसी गवाह बन गया, क्योंकि इच्छा थी अंदर कि सेवा करनी है, गवाही देनी है। अगर आपको उसका गवाह बनना है, तो किसी भी, आप अपनी आंतरिक कमी को बाधा ना बनाए। कोई भी आंतरिक कमी, जो कोई भी आपके अंदर की कमी, पढ़ाई से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, ऐसी चीज़ें कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए बाधा नहीं बनेगी अगर आपके अंदर उसकी गवाह होने की इच्छा है तो। हालेलुया, मैंने देखा है बहुत से लोगों ने गवाही दी और लोगों की आत्माएं बचाई गई हैं। बहुत से लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन सुसमाचार सुनाते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था ट्रेन में, एक व्यक्ति, वो विकलांग व्यक्ति था। किस किसने देखा है वो वीडियो? वैसे देखा है कुछ लोगों ने।
वो व्यक्ति गवाही दे रहा था, लेकिन वो जो बोल रहा था वो पूरी तरह से वो चीज़ें नहीं थी जो सुसमाचार में होती, लेकिन वो बोल रहा था, उसके अंदर जुनून है बोलने का, परमेश्वर के बारे में बताने का जुनून है। बड़े प्रोत्साहन मिला उसे देखकर कि अपनी अयोग्यता को उसने बीच में आने नहीं दिया, उसने अपने आप को ये कहकर नहीं रोका, बेटा तू विकलांग है, काम कर, घर पे पड़ा रहे, खा पी और मौज कर, भीख मांग। उसने अपनी उस विकलांगता को परमेश्वर के राज्य में बाधा नहीं बनने दिया, गवाही देने निकला, और परमेश्वर जरूर काम करता है उसके द्वारा। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुतों के जीवन तक परमेश्वर का वचन उनके पहुंचा है उनके जीवन के द्वारा। हमारे बीच में एक गवाह है, जैसे कि सिस्टर मुक्ति के बारे में हम जानते हैं, मुक्ति बहन के बारे में, सुखवती आंटी को कौन कौन जानते हैं? सब लोग जानते हैं। सुखवती आंटी तक परमेश्वर का वचन लेकर जाने वाली हमारी मुक्ति बहन थी। सिंपल साधारण सी लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन लेकर गई, और परमेश्वर का वचन के द्वारा सुखवती आंटी ने उद्धार पाया। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर इच्छा है तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, वो बड़ों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आज हम जब सुखवती आंटी के विश्वास को देखते कितना अच्छा लगता है, उनके विश्वास को उनकी बीमारी भी तोड़ नहीं पाई। आप सबको पता होगा उनको कैंसर है, उसके बावजूद उनके चेहरे पर जो रौनक है, उनके चेहरे पर जो नूर है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। क्यों है? वो खुदा को जानती, खुदा से प्यार करती हैं। कोई गया था वचन लेकर उन तक। हालेलुया। तो कभी भी किसी भी बात को अपने जीवन में बाधा ना बनने दे। परमेश्वर ने आपको मसीही करके नियुक्त किया है कि आप उसकी गवाही अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में जाकर दें, क्योंकि लोग उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बगैर पाप में मरे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के पास जो उद्धार की योजना है वो समस्त जातियों के लिए है, सिर्फ एक कुछ लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है, जो आपके चारों ओर रहते हैं उन सब लोगों के लिए। चेला बनाना के बारे में अगर हम सीखें, यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को किसी न किसी को सुना रहे हैं, किसी न किसी की अगुवाई कर रहे हैं, किसी न किसी को बता रहे हैं, प्रभु के करीब लेकर आए हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। चेला बनाने के बारे में जो हम अगर हम सीखें, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना कर रहे हैं, तो उन्हें इस रीति से तैयार नहीं करना कि वो एक सामान्य मसीह जीवन जिए, उसको इस रीति से तैयार करना कि कल वो भी प्रभु की गवाही देने के लिए खड़ा हो सके, क्योंकि साधारण मसीही जीवन वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर मसीही जीवन उस मसीही जीवन को चाहता है जो मसीही की गवाही देता है। किसी की अगुवाई आप कर रहे हैं, किसी को वचन बता रहे हैं, उसको अपनी प्रार्थना में इस रीति से जरूर रखें कि परमेश्वर इस व्यक्ति को अपने गवाह के रूप में खड़ा करना, कि ये तेरी गवाही लोगों के बीच में जाकर दे सकें। सामान्य मसीह जीवन अगर हम देखें, बहुत से लोगों के जीवनों में आदत होती है सामान्य मसीह जीवन जीते हैं, कैसे, कुछ भी अगर होता है तो वो सीधा पास्टर को कॉल करते हैं, है ना, कि मेरे जीवन में ये हो गया, मुझे ये हो गया। क्यों वो ऐसा, उनकी सोच, उनकी विचारधारा ऐसी क्यों है? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है, उनको उस तरह से उनको तैयार किया गया है, जितना जिस तरीके से उनको सिखाया गया उतना ही उनका विश्वास है। हरियाणा में भी बहुत से लोगों के जीवनों में देखने को मिलता है, वो सीधा पास्टर के पास फोन करते हैं, वो सोचते हैं कि पास्टर की प्रार्थना में सामर्थ्य, मेरी प्रार्थना में वो सामर्थ्य नहीं है। हम सबकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी को हम अगर अगुवाई कर रहे हैं, किसी को तैयार कर रहे हैं, इस रीति से उसको तैयार करें, प्रार्थनाओं में इसको रखें, निरंतर उससे मिलते रहें, और उसे एक गवाह के स्तर तक हमें तैयार करना है। सिर्फ अपना हमारा कर्तव्य यहाँ पर ख़त्म नहीं होता कि कोई विश्वास में आ गया, अब उसे छोड़ दो, बाकी हम किसी और को देखते हैं। हमें विश्वासी से बढ़कर गवाह बनाने। हालेलुया। बाइबल भी वचन में मत्ती 28:19-20 में लिखा है कि तुम जाकर क्या बनाओ, चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ, गवाह बनाओ।
विश्वासी होना एक शुरुआत है मसीह के गवाह के स्तर तक पहुंचने के लिए। शुरुआत हम एक शिष्य तक, चेला तक, गवाह तक पहुंचने के लिए विश्वासी जीवन जो है वो शुरुआत है। विश्वासी जीवन हमें जीते हुए आगे बढ़ते रहना है और हमें एक चेले के स्तर तक, एक गवाह के स्तर तक पहुंचना है। हालेलुया। तो अपने जीवन को ये जान लीजिए, आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन को सामान्य तरीके से मत जिए, सिर्फ विश्वासी बनकर मत रहिए। विश्वासी के स्तर से हमें ऊपर उठना है, सामान्य वसी जीवन मत जिए, एक अगले स्तर तक हमें जाना है। वो अगला स्तर क्या है? गवाह बनना। हालेलुया। क्या है? गवाह बनना। हम में से बहुत से लोग होंगे जो अपने बारे में सोचते होंगे कि मैंने सच में किसी को, ज़्यादा लोगों को मैंने गवाही दी नहीं है। हो सकता है ऐसे भी लोग जिन्होंने कभी किसी को गवाही नहीं दी है। यही है साधारण मसीह जीवन, अपनी जीवन में खुश रहना, बस अपने जीवन में ही आनंदित रहना, ये स्वार्थी मसीह जीवन है। हमें स्वार्थी मसीह जीवन नहीं जीना। हालेलुया। जो आनंद आपके जीवन में है, जो उद्धार जो आपने प्राप्त किया है, उसको जाकर दूसरों को दे दीजिए, उन्हें ज़रूरत है। हालेलुया। आज्ञा मानना सिखाना, तीन है हमने पहले देखा, चेला बनाना और जाना, चेला बनाना और आज्ञा मानना सिखाना। अगर हम आए, अगर हम गवाह होकर, गवाह बनकर हम दूसरों के बीच में जाएंगे, तो जिसको हम गवाही दे रहे हैं उस व्यक्ति की नज़र हमारे जीवन पर ज़रूर होगी। वो व्यक्ति जिसको हम गवाही दे रहे हैं, जिसको सुसमाचार सुना रहे हैं, जिसे यीशु के बारे में बता रहे हैं, वो व्यक्ति उन सारी बातों को हमारे जीवन में ज़रूर देखना चाहेगा, है कि नहीं? ज़रूर देखना चाहेगा कि वो ये देखे कि जो मुझे सिखा रहा है, क्या या इसका जीवन वैसा है, जो बातें मुझे बता रहा है क्या उसके अनुसार ये अपने जीवन को जी रहा है। हमारे लिए सीखना आसान होता है, हम सीख लेते हैं, वचन से पढ़ लें, सीख लिया है, वो कर लिया, हमारे लिए सीखना आसान होता है, लेकिन सिखाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सिखाना बहुत मुश्किल लगता है हमें। क्यों लगता है? एक कारण ये हो सकता है कि हम सिखाने में हमें मुश्किल क्यों लगती है, एक कारण ये है कि जो मैं सिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन में नहीं है। जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जिस बात की गवाही मैं दे रहा हूँ, अगर मेरा जीवन उसके अनुसार नहीं है, तो कभी भी उस गवाही को देने के लिए जो जोश, जो जुनून मुझे चाहिए, वो जोश, वो जुनून कभी आएगा नहीं। जब तक हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जैसा जीवन नहीं जिएंगे, जब तक हम एक सच्चे गवाह का जीवन नहीं जिएंगे, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम किसी को वचन सिखा नहीं पाएंगे। पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस कहता ना कि जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम भी चलो, कलीसिया के लोगों को बोला था। बहुत गंभीर बात है, किसी को बोल सकते हैं जैसा मैं चलता हूं वैसे चलो? पौलुस ने जोश में, जुनून में ये बात बोली, क्योंकि उसको पता था कि उसका जीवन है उसके सुसमाचार के अनुसार, क्योंकि वो जीवन जीता है परमेश्वर के अनुसार, इसलिए उसने बोला। एक जगह पे वो कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, जो गवाही मैंने तुम्हें दी है, वही सच्चा सुसमाचार है। अगर उसके अलावा स्वर्गदूत भी तुम्हें आके ये बोले, स्वर्गदूत भी अगर तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, उसे विश्वास मत करना, क्योंकि मैंने जो सुसमाचार दिया है वही सच्चा सुसमाचार है। ये जो जुनून है, ये जो जोश है, ये जो पागलपन है प्रभु के काम के लिए, ये तभी आ सकती है जब आप पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के वचन की अधीनता में रख देंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी होगा जब हम पूरी तरह से उन बातों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे होंगे। जब हमारा ही जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं है, जब हमारा ही जीवन सुसमाचार के जो जिस तरीके का जीवन होना चाहिए उद्धार पाने के बाद, अगर हमारा ही जीवन वैसा नहीं है, तो हम कैसे किसी को सिखा पाएंगे, कैसे हम किसी को सुसमाचार सुनाएंगे? और ऐसा संभव है कि उद्धार पाने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद हम पापी जीवन जी रहे हैं? ऐसा संभव है, संभव है ऐसा?
कई बार सत्संग में ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, वो बड़े जोश से जय मसीह की हालेलुया बोलते हैं। कई लोगों से मुलाकात होती है, जय मसीह की बोलते हैं, बड़ी नम्रता से बात करते हैं, मुंह से दारू की बदबू आ रही होती है। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। क्या गवाही दे रहे हैं आप लोग? क्या करने आए हैं? आराधना करने आए हैं? ऐसा संभव है कि हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अपने जीवन हम वैसे ही जी रहे जैसे हम पहले जी रहे थे? अगर हम किसी को गवाही देने जा रहे हैं तो उसे हमारे पहले के जीवन में और अब के जीवन में एक परिवर्तन नजर आना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब उसका आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। अगर परिवर्तन उसको नजर नहीं आया तो अपने कान हमेशा के लिए बंद कर लेगा, कभी भी हमारी गवाही को सुनेगा नहीं, कभी उन बातों को ग्रहण नहीं करेगा जो हम उसे सिखा रहे हैं। हमारे अंदर साहस नहीं है, जुनून नहीं है, इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं है। पहले गवाह होने से पहले अपने आप को जांच लीजिए, गवाही देने से पहले जांच लीजिएगा, क्या मैं जिसकी गवाही दे रहा हूँ, क्या मैं खुद उसकी अधीनता में चल रहा हूँ, क्या खुद मैं उसकी वचन के अनुसार जी रहा हूँ। जब आप उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं, उसके वचन की अधीनता में जब जी रहे हैं, उसके बाद जब आप गवाही देंगे, परमेश्वर का आत्मा उस आपकी गवाही को प्रभावशाली बनाएगा, असरदार बनाएगा। जब तक हमारा जीवन खराब है लेकिन हम गवाही दे रहे हैं, कभी भी उस गवाही में जान नहीं होगी, कभी भी उसमें सामर्थ्य नहीं होगी। अगर सामर्थी तरीके से इसकी गवाही देनी है, अपने जीवन को यीशु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए, उसके बाद जब आप गवाही देने जाएंगे, खुदा का आत्मा आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। हमें अपने आप से ये भी पूछना है, क्या मैं उद्धार पाने के बाद भी अपने जीवन को पुराने जीवन की तरह जी रहा हूँ? क्या मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया? ऐसा संभव है कि बहुत से लोग जी रहे हैं पुराना जीवन भी, लेकिन गवाही भी देते हैं। ऐसा भी संभव है, ऐसे होता है, ऐसे बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन खुद करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए खुद पीते हैं, गाली नहीं देने चाहिए लेकिन खुद देते हैं, ये नहीं करना चाहिए लेकिन खुद करते हैं। ऐसा ही जीवन है जो हम ऐसा अगर हमारा जीवन है तो सच में हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागा नहीं है, और पुराने मनुष्यत्व को साथ में लेकर आप उसके गवाह नहीं बन सकते। गवाह बनना है अपने नए जीवन के साथ में, अपने नए जीवन में चलते हुए उसकी आत्मा को लेकर चलिए, तब आपका जीवन प्रभावशाली होगा। इसलिए उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अंधकार था वो चला गया है, क्योंकि मैंने उसे मिटाया है। हालेलुया। तो ज्योति बनकर हमें लोगों के बीच में जाना, क्योंकि अंधेरा है लोगों के जीवनों में। मैं खत्म करना चाहूंगा, बस मैं ये कहना चाहता हूं, कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए स्थापित किया है कि कलीसिया उसके नाम की गवाही दे, और हम सब कलीसिया हैं। अपने आप से हमें पूछना है, क्या हम गवाही दे रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर का गवाह हूं? साधारण जीवन जीना मसीही जीवन नहीं है। अगर हम सिर्फ साधारण मसीही जीवन जी रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं तो सच में ये जीवन एक लापरवाह मसीही जीवन है। लापरवाह क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं उन लोगों के लिए जो पाप में मर रहे हैं। हमें गवाह बन के जाना है। हालेलुया। कौन गवाह बनेगा? कौन गवाही देगा प्रभु की? अपने हाथों को उठाइए। हम सबको प्रार्थना करने पर जगह पर खड़े हो जाएं। हम सबको ये प्रार्थना करनी है।